मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एकजुट जम्मू का। और मैं आप लोगों को ये यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप पॉलिसी मैटर देखेंगे लोकल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का या भारत सरकार का, तो बिल्कुल एक परप्लेक्स्ड उनका पॉलिसी मैटर समझ में आता है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमने कई बार उनको ये चीज़ चेताई है कि जहाँ पे सोसाइटी बिल्कुल रेडिकलाइज हो जाए या मिलिट्राइज हो जाए, तो उसको जो काउंटर करने की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी मिलिट्री बेस्ड होनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वहाँ पे जो मिलिट्राइज रेडिकलाइज सोसाइटी है उसको काउंटर करने के लिए जो पहले सैनिक कॉलोनीज़ का प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया जाए, वहाँ पे सैनिक कॉलोनीज़ बनाई जाएँ, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये डेवलपमेंट के नाम पे और एक टूरिज्म के नाम पे केवल ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे नॉर्मलसी आ गई है। अगर ये नॉर्मलसी आई है तो वहाँ भी ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं। हम ये भी डिमांड करते हैं कि एलजी साहब को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, वापस बुलाया जाए, कोई अच्छा एक्स जनरल या कोई मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट या जिस तरह से पहले हमारे एडवाइज़र थे के विजय कुमार साहब, इस तरह का कोई इंसान हो जो यहाँ पे आए, जिसको यहाँ जम्मू कश्मीर का पूरा एक कार्यभार दिया जाए, नंबर टू। नंबर थ्री, जो एकजुट जम्मू की हमेशा से ये डिमांड रही है कि अगर आपको कश्मीर का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो वो परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा जब आप कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दीजिए। एक आप यूटी बनाइए कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, और एक नॉन मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे यूटी बनाइए। लेकिन इसका भी जो एक प्रॉपर पूरा सोल्यूशन है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं किया जाता और जम्मू को सेपरेट स्टेटहुड नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बहुत एक एप्ट मोमेंट है गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का, क्योंकि 370 के बाद जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसी दो तीन साल चलानी चाहिए जम्मू कश्मीर में, वो पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है। अगर यहाँ पे बाइफरकेशन हुई है J&K और लद्दाख की, तो ये ट्राइफरकेशन भी हो सकती है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पे एक मिलिट्री सोल्यूशन चाहिए, उस मिलिट्री सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करे और जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड दे।